देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कल 13,576 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या चिंताजनक है। अंबेडकर अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो अस्पताल के उस हिस्से का है जहां कोविड संक्रमित मृतकों के शव रखे जा रहे हैं। वीडियो के मुताबिक शवों को रखने के लिए फ्रीजर में जगह नहीं है। कुछ शव आसमान के नीचे धूप में स्ट्रेचर पर, तो कई शव अंदर जमीन पर है। एक हिस्से में तो लाशें ऐसी रखी नजर आ रही हैं, मानो किसी तरह का सामान किसी ने स्टॉक किया हो। कोविड वार्ड में दिन रात काम कर रहे एक डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पूरे राज्य से मरीज लाए जा रहे हैं, इस वजह से लोड बढ़ा हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक मार्मिक पोस्ट भी डॉक्टर्स ने साझा की है। इस पोस्ट में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुद अपने हालातों की कहानी बयान कर रहा है। इस पोस्ट में डॉक्टर्स ने अपनी आंखों देखी इस उम्मीद में लिखी है कि ये बिगड़ते हालात सुधरे। डॉक्टर्स ने लापरवाह आम लोगों, नेता और अफसरों को भी इस पोस्ट के जरिए घेरा है। प्राइवेट अस्पतालों में भी दर्जनों संक्रमितों की मौत हुई है। सरकारी अस्पताल में इतने ज्यादा शवों को रखे जाने की बड़ी वजह देरी को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शवों को परिजनों को सौंपने या फिर अंतिम संस्कार के लिए भेजने की प्रक्रिया में देर हो रही है, जिसकी वजह से शव गृह भर गए हैं।